हर तरफ छठी मैया की भक्ति की धूम है। इस महापर्व पर छठ घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दिल्ली NCR दिनभर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। छठ पर प्रदूषित यमुना पर दिल्ली सरकार और बीजेपी में तकरार, बीजेपी के आरोपों पर आपने किया पलटवार। सिंघू बॉर्डर पर संदिग्ध हालत में फंदे से लटका मिला किसान का शव, पुलिस जांच में जुटी। गाजियाबाद में सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा, नौकर पड़ोसी समेत चार लोग मर्डर केस में गिरफ्तार। दिल्ली NCR की हवा में घुल रहा जहर, दो कदम चलते ही लोगों की फूलने लगती है सांसें। छठ पर्व के मौके पर डेंगू से बचाव का भी रखा जा रहा है पूरा ध्यान, घाटों पर की जा रही है लगातार फॉगिंग। यमुना नदी में प्रदूषण और सफेद सफेद झाग चर्चा का विषय बने हुए हैं। सारी तस्वीरें देखकर जगह जगह प्रदूषण को लेकर बातें हो रही हैं। इस बीच दिल्ली सरकार और भाजपा के बीच तकरार भी बढ़ गई है, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। ये दिल्ली के अंदर जब यमुना जी गुजरती हैं, दिल्ली में लगातार नालों का पानी उसमें जा रहा है। पूरी लगभग 22 किलोमीटर का सफर दिल्ली में यमुना जी तय करती है, जो कि पूरी यमुना जी की लंबाई का 2% है, 2% है। और दिल्ली में जब नालों की गंदगी, इंडस्ट्रियल गंदगी जब आती है, औद्योगिक गंदगी उसमें गिरती है, तो 80% यमुना जी में जो पॉल्यूशन है वो दिल्ली से होकर जाता है। और जब भी इनकी बात करो कि भाई आपने यमुना जी ने काम क्यों नहीं किया जो आपने वादे किए, तो ये कहते हैं कि हरियाणा और यूपी से पानी गंदा छोड़ा जाता है। इसकी असलियत भी बता देता हूं मैं आपको कि जिस समय जो दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी है DPCC, उसने जब पल्ला के अंदर जहां हरियाणा से एंट्री करके यमुना जी का पानी हरियाणा से आ रहा है, तो BOD लेवल सिर्फ 2 होता, और जब पल्ला से आगे बढ़ के दिल्ली से छोड़ के यूपी की तरफ जाती है यानी ओखला में, तो BOD लेवल इसका 50 हो जाता है। 50 BOD लेवल पानी का होना इतना खतरनाक होता है, उसके अंदर इतने जहरीले तत्व मिल जाते हैं कि उससे पीना तो छोड़ो, खेती का कुछ भी नहीं हो सकता है। यानी जिस खेत में भी वो पानी चला जाएगा तो फसल भी नष्ट होगी और वो खेत भी खराब हो जाएगा। और दिल्ली के अंदर 18 बड़े नाले हैं जहां पर अनट्रीटेड सीवरेज का पानी उसके अंदर जा रहा है, जिसकी एक पानगी हमारे सांसद जी जो वहां गए आपको सामने दिखाया, पूरी दुनिया ने देखा है। और ऐसे हम हर जगह दिखा सकते हैं और दिखाएंगे आने वाले समय में। लेकिन ये आज का दिन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आज दुनिया में सबसे बड़ी सूर्य उपासना की आस्था का पर्व जो दिल्ली में बड़े उत्साह के साथ हर साल मनाया जाता है। आप यमुना जी में पॉल्यूशन नहीं कम कर पाए अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, आपने छठ पूजा पर ही, आस्था पर ही प्रतिबंध लगा दिया। आप देखिए जो 18 नाले जो SDP प्लांट लगने चाहिए वहां पर पान काम होना चाहिए, वो दिल्ली सरकार ने नहीं किया। केंद्र सरकार ने 18 नालों से लगभग 3500 मिलियन लीटर गंदा पानी प्रतिदिन यमुना में बहाया जाता है, और केंद्र सरकार ने इसके लिए 13 प्रोजेक्ट या पानी साफ ट्रीटमेंट वाला पानी उसमें डाले, जो पानी आया उससे 2419 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने इनको वित्तीय सहायता दिल्ली सरकार को प्रदान की, जिसके तहत 1385 मिलियन लीटर सीवर के पानी को साफ करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, दिल्ली सरकार ने ना तो उस पर कोई कार्रवाई की, पैसा उन्होंने ले लिया
उस पैसे का क्या किया है, कहां गया पैसा, किसने खा लिया पैसा, क्योंकि केंद्र सरकार ने वो पैसा दे दिया। देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली जल बोर्ड ने एक दो दिन पहले एक प्रेस रिलीज दिया था और उन्हें जहां की तस्वीरें ANI के माध्यम से आ रही थी, यमुना बराज, वो ओखला बराज की वो तस्वीरें थी, तो वहां पे उन्होंने पूरा का पूरा आई थिंक उसकी कैलकुलेशन दी थी कि वहां पे करीब 155 NGD पानी आता है रोज, और उसके अंदर से करीब 105 NGD पानी जो है वो हरियाणा से आता है, और करीब 50 MGD पानी उत्तर प्रदेश से आता है, एक मजफ्फरपुर ड्रेन के थ्रू आता है, एक गाजियाबाद ड्रेन के थ्रू आता है, और ये दोनों ड्रेन के अंदर जो पानी है वो अनट्रीटेड वेस्ट आता है, मतलब उसको जो है लोगों का मल है या इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो वैसा का वैसा आता है। अब जाहिर सी बात है, अगर एक ऐसी जगह है जहां पे इतना MGD अनट्रीटेड वेस्ट आएगा तो गंदगी तो दिखेगी। उसके लिए कई बार दिल्ली सरकार ने इन दोनों सरकारों को लिखा भी है, CPCB ने भी अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखा है, कई बार NGT की डायरेक्शंस इसके बारे में हुई है, मगर दिल्ली सरकार को कोई बहुत ज़्यादा कंट्रोल जो है हरियाणा और यूपी में नहीं है, इस कारण जो है इस तरह से चल रहा है। और वैसे भी वो जो यमुना बराज का इलाका है वो यूपी इरिगेशन बोर्ड के पास आता है, वो दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है, मगर क्योंकि दिल्ली के बहुत सारे श्रद्धालु जो हैं वहाँ पर छठ पूजा मनाने गए हैं, तो सरकार की कोशिश ये है कि वो जो झाग वगैरह जो है उसको हटाया जाए, मुझे लगता है इसीलिए वो कोशिश हो रही है। सिंघू बॉर्डर जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं, वहां पर एक किसान का शव फंदे से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पाते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। शुरू में आशंका जताई जा रही है कि किसान ने आत्महत्या की है। केंद्र सरकार के लाए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के बीच सिंघू बॉर्डर एक बार फिर विवादों में आ गया है। सिंघू बॉर्डर पर बुधवार को फांसी के फंदे से एक किसान का शव लटका मिला। जानकारी के मुताबिक शुरुआती जांच में किसान के आत्महत्या करने की बात सामने आई है। मृतक किसान का नाम गुरप्रीत सिंह है, जो पंजाब के फतेहगढ़ का रहने वाला है और भारतीय किसान यूनियन सिद्धपुर से जुड़ा हुआ था। ये पता तो कुछ भी नहीं चला, लेकिन हम तो जहाँ पर मोर्चे पे बैठे हैं और हमें तो फ़ोन आया था भी किसी ने खुदकुशी कर ली, हमारे संगठन का आदमी था और हमने जब देखा तो हो गया था सारा काम। कहाँ की इन्होंने सुसाइड, कहाँ पे किया? सुसाइड रसोई गांव के पास एक कॉलोनी है, वहाँ पर ये लंबे समय से रह रहे थे, वहाँ पर किया। अच्छा, कहाँ का रहने वाला है गुरप्रीत? ये पंजाब से, जिला फतेहगढ़ साहब, गाँव इनका है रुड़की। परिवार को इतला कर दिया गया है? हाँ, परिवार को इतला कर दिया और परिवार वाले आ रहे हैं। अच्छा, क्या करता था गुरप्रीत? गुरप्रीत किसान है। जानकारी के मुताबिक गुरप्रीत सिंह पिछले काफी समय से सिंघू बॉर्डर पर अपने साथियों के साथ ट्रॉली में ठहरा हुआ था। दिवाली से पहले उसके साथी घर लौट गए थे, उसके बाद से ही वो ट्रॉली में अकेला रह रहा था। वहीं बुधवार सुबह बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल अन्य किसानों ने उसका शव नांगल रोड पर पार्कर मॉल के पास एक नीम के पेड़ पर रस्सी से लटका हुआ देखा, जिसके बाद इसकी सूचना कुंडली थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को पेड़ से उतार कर अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज सुबह थाने में सूचना मिली थी कि किसान आंदोलन में आए एक व्यक्ति ने यहाँ सुशांत सिटी के पास अपना एक आत्महत्या के लिए फांसी लगा कर, तो हम वो पेड़ पे गए, वहाँ पे उसका नाम पता लगा, गुरप्रीत सिंह है और जिला फतेहगढ़ साहिब से है। क्या नाम था? गुरप्रीत सिंह है। कुछ रीजन पता चला? कुछ रीजन अभी पता नहीं चला जी, वो बता रहे हैं कुछ मानसिक रूप से परेशान थे। कब से आया हुआ था धरने में? वो जी पिछले 5-6 महीने से कभी आ जाता था और कभी वापस अपने घर चला जाता था। किस हालत में मिला? बस वो जब हम मौके पे गए तो उसकी डेड बॉडी रखी थी जी, चारपाई पे उतार के। गुरप्रीत सिंह की मौत के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है और स्पष्ट नहीं हुआ है कि उसकी हत्या हुई है या उसने आत्महत्या की है। ऐसे में पुलिस दोनों एंगल से छानबीन कर रही है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का असली कारण पता चल सकेगा। वहीं मामले की जांच कर रही पुलिस ने मृतक किसान के परिजनों को भी सूचना दे दी है। लोगों से पूछताछ जारी है ताकि किसान की मौत का राज खुल सके। दिल्ली से अनिल कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। गाजियाबाद के पटेल नगर में दिवाली की रात हुई एक हत्या के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है।
इसमें एक पड़ोसी भी शामिल है। देखिए पूरी रिपोर्ट। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के पटेल नगर इलाके में दिवाली की रात हुई हत्या का गाजियाबाद पुलिस ने अब खुलासा किया है और इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले में चौंकाने वाला खुलासा करते हुए दंपत्ति के नौकर और बाइक शोरूम के मालिक समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पटेल नगर इलाके में दिवाली की रात बुजुर्ग दंपत्ति अशोक जैदका और उनकी पत्नी मधु की हत्या कर दी गई थी। हत्या काफी बेरहमी से की गई थी। बदमाशों ने सिर पर हथौड़े मारकर दोनों को मौत के घाट उतारा था। इस हत्याकांड के बाद से पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही थी, जिसके बाद पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस ने काफी चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। ये दिवाली वाले दिन एक बुजुर्ग दंपति की थाना सियानी गेट एरिया में हथौड़े से उनके सर पे वार करके हत्या कर दी गई थी, जिसमें मौके पे घटनास्थल का निरीक्षण, सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों और गवाहों के आधार पे पुलिस ने इस घटना का खुलासा किया है, जिसमें टोटल चार व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें दो व्यक्ति जिनके सीसीटीवी फुटेज आए थे, जो घटना करने में वहाँ मौके पे मौजूद थे, जिन्होंने घर पे जाके ये घटना की, और एक अन्य व्यक्ति जो उनकी प्लानिंग में शामिल था। उन तीन लोगों के अलावा एक इस परिवार के क्लोज फ्रेंड हैं जो व्यापारी, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनको जब इसके बारे में पता चला कि जो सुंदर है, जो मेन मोटिव रखता था हत्या करने का, वो जो हत्या की प्लानिंग कर रहा है, तो उन्होंने उसको प्रेरित किया कि वो ये कार्य करे, जिससे उनको उनके फाइनेंशियल और अन्य बेनिफिट मिल सके। इन चारों लोगों को गिरफ्तार किया गया है और हत्या में प्रयुक्त हैमर और रक्तरंजित गमछा जो हत्यारे ने अपने मुँह ढककर कवर कर रखा था, जिससे और थैला जिससे हैमर लेके गए थे, ये बरामद किया गया है। पुलिस टीम ने इसमें मेहनत से काम किया, तो आईजी सर की ओर से सभी पुलिस टीम को 50,000 रुपए का इसमें नगद पुरस्कार दिया गया। सुंदर क्यों हत्या करना चाह रहा था? पुलिस ने बताया कि दंपत्ति का नौकर सुंदर इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड है, जिसने बुजुर्ग दंपत्ति के घर कई वर्षों तक नौकरी भी की थी, जिसके एवज में बुजुर्ग दंपत्ति ने उसे रहने के लिए घर भी दे रखा था। वहीं सुंदर ने बुजुर्ग दंपत्ति के पड़ोस में रहने वाले कबाड़ी आजाद और अपने एक साथी अतुल के साथ मिलकर दिवाली की रात बुजुर्ग दंपत्ति की बेरहमी से हत्या कर दी थी। पुलिस के मुताबिक सुंदर का साथ रोहित नरूला ने भी दिया। रोहित नरूला एक शोरूम का मालिक है। रोहित नरूला और मृतक दंपत्ति आपस में परिचित थे। फिलहाल ये सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, जहाँ इन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ विकास कुमार की रिपोर्ट, गाजियाबाद। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण का स्तर धीरे धीरे बेहद ही खराब होता जा रहा है। बुधवार की सुबह वायु गुणवत्ता 382 दर्ज की गई। ऐसे में लोग जब सड़क पर निकल रहे हैं तो उनका सांस लेना दुभर हो रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन की स्थिति बेहद गंभीर होती जा रही है। ठंड बढ़ने के साथ साथ पॉल्यूशन भी चिंताजनक रफ्तार से बढ़ रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई शहरों में एयर पॉल्यूशन की वजह से सांस लेने में परेशानी हो रही है। आज सुबह दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 382 दर्ज किया गया, जो कि बेहद ही खराब है। केंद्र सरकार की संस्था सफर ने हेल्थ एडवाइजरी में लोगों को जहां तक हो सके बाहर कदम न रखने की सलाह दी है। सफर की माने तो बादलों की वजह से मिक्सिंग हाइट अगले दो दिनों तक कुछ कम रहेगी, जिसकी वजह से स्मॉग दिख सकता है, लेकिन AQI बेहद खराब स्तर पर बनेगा और लोगों की परेशानियां खत्म नहीं होंगी। UP प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के रीजनल ऑफिसर की माने तो पंजाब की तरफ से हवाएं चल रही हैं, इसीलिए वहां की पराली का धुआं दिल्ली एनसीआर में आ रहा है। 3 से 4 दिन तक ऐसा ही रहने की संभावना है। हवा की दिशा बदलने या स्पीड बढ़ने के साथ पॉल्यूशन से राहत मिल सकती है। बता दें कि प्रदूषित हवा को साफ करने के लिए 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की जरूरत है, जबकि पराली के प्रदूषण से राहत के लिए करीब 18 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलनी चाहिए।
फिलहाल अभी हवा की स्पीड बहुत कम है, इस वजह से दिल्ली एनसीआर के ऊपर बनी धुंध की चादर नहीं हट रही है। आपको बता दें कि अक्टूबर के आखिरी दिन में पराली जलाने के सिलसिले ने जोर पकड़ा था और अब तक जारी है। हालांकि पिछले दो दिनों से पराली जलाने और पॉल्यूशन में लगातार कमी आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। कोरोना महामारी के संक्रमण की आशंका और डेंगू के फैलाव के बीच छठ त्योहार मनाया जा रहा है। डेंगू से बचाव के लिए छठ घाटों पर लगातार फॉगिंग भी की जाती रही। देखिए पूरी रिपोर्ट। एक तरफ जहां राजधानी दिल्ली समेत देश भर में छठ पर्व की धूम है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में कोरोना के बाद डेंगू का सितम भी लगातार बरकरार है, जिसमें कई लोग डेंगू की चपेट में आ चुके हैं, जिसको देखते हुए छठ घाट पर लगातार फॉगिंग की जा रही है। दरअसल छठ पर्व का आज बड़ा दिन है, जिसके चलते घाट पर श्रद्धालु डूबते हुए सूरज को अर्घ देंगे, साथ ही कल सुबह वे उगते हुए सूरज को अर्घ देकर छठ पर्व का समापन करेंगे। और इसी को देखते हुए दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में बनाए गए छठ घाटों पर मच्छरों को भगाने के लिए और मच्छरों को छठ घाट से दूर रखने के लिए नजफगढ़ मार्केट एसोसिएशन की देखरेख में फॉगिंग करवाई जा रही है। भगवान सूर्य की आराधना के छठ पर्व पर हमारे पूर्वांचल के भाई जिसे उत्साह से मनाते हैं, हमने भी उसमें एक आहुति डाली कि छठ पर्व पर जो घाट है हमारे सबकी फॉगिंग कराई है, जिससे कि कोई भी किसी प्रकार का मच्छर वहाँ पर ना रहे और निर्बाध रूप से मेरी माता बहने मेरे भाई अपनी पूजा कर सके। मार्केट प्रेसिडेंट का कहना है कि इस महापर्व को लेकर काफी तैयारियां पहले से की जा रही हैं। पिछले साल कोरोना को देखते हुए छठ पर्व सार्वजनिक रूप से नहीं मनाया गया था, लेकिन इस बार DDMA की गाइडलाइन के बाद छठ पर्व मनाने की अनुमति मिली है। मच्छरों के प्रकोप को देखते हुए छठ घाटों पर मच्छरों को भगाने के लिए फॉगिंग कराने का इंतजाम किया गया है। नवोदय टाइम्स के लिए करुण ठाकुर के साथ नवीन कुमार की रिपोर्ट, दिल्ली। तो दिल्ली NCR दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।